दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने वानखेड़े के मैदान में उतरते ही ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करी, इस कदर बोल्ट को पीट कर रख दिया कि उनके चौके छक्के देखकर कोहली तो क्या, बोल्ट तो क्या, विलियमसन भी दंग रह गए थे। और उनके साथ मिलकर जूनियर रोहित शर्मा यानी कि शुभमन गिल ने भी कैसे अपनी धांसू पारी से रोहित और गिल ने फिर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के होश उड़ा कर रख दिए। बड़ा लक्ष्य पावर प्ले में ही बना दिया। इनकी खतरनाक बैटिंग, चौके, छक्कों का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है, आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की दहलीज पर उस टीम के साथ फिर से खड़ी हुई है जिसने की 4 साल पहले हमें ऐसा जख्म दिया था जो आज तक नहीं भरा। धोनी का वो रनआउट आंखों के आगे से नहीं जाता, और केवल वो ही नहीं, हम वर्ल्ड कप से हार गए थे। 4 साल की हार का बदला आज न्यूजीलैंड से लेने के लिए जैसे ही मैदान में उतरे तो रोहित की किस्मत का सिक्का उनके साथ चल पड़ा। वो टॉस जीते, उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, और दोस्तों एक भूखे शेर की तरह दहाड़ते हुए आज रोहित ने चुन चुन कर ना न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों का शिकार किया। लिटरली पहले 5 ओवर में ऐसा लग रहा था कि कोई वनडे नहीं बल्कि T20 मुकाबला चल रहा है। रोहित को देखकर लगा कि वो आज अपने बल्ले से पूरी न्यूजीलैंड की टीम को अकेले धाराशाही कर देंगे। जिस बोल्ट के नाम से दोस्तों दुनिया थर थर कांपती है और खास तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम, क्योंकि यही वो खतरनाक खिलाड़ी है जिसने हमारे 3 विकेट बैक टू बैक 2019 में लिए थे और उसके बाद भी कई अजीबोगरीब परफॉर्मेंसेस दिए बढ़िया सी हमारी टीम के खिलाफ। लेकिन आ जाते ही रोहित ने इनके डर को खुशी में तब्दील कर दिया, क्योंकि दोस्तों रोहित ने आते ही पहले ओवर की 4थी और 5वीं गेंद पर शानदार 2 बाउंड्री लगाई। इसके बाद शुभमन गिल ने अगले ओवर में सऊदी का शिकार किया 2 चौके जड़कर। तो वहीं दोस्तों रोहित का तो क्या ही कहना, 3rd ओवर की 3री गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर उन्होंने अब बयान कर दिया था वो क्या कुछ करने आए हैं। और दोस्तों जैसा कि रोहित कहते हैं कि पहले 5-6 ओवर में आउट कर लिया तो ठीक, वरना तो मैं अपनी मर्जी से आउट होऊंगा। और दोस्तों फिर तो रोहित ने बोल्ट को बख्शा ही नहीं, 4थे ओवर की 3री गेंद पर एक और खतरनाक सिक्स लगाया जो कि 100 मीटर से भी कम का था। इसके बाद दोस्तों सऊदी को बैक टू बैक चौके लगाए, सऊदी को 4थे ओवर में छक्का जड़ा, और बोल्ट को तो रोहित ने आज बख्शा ही नहीं, 5वें ओवर की 2री गेंद पर फिर से दोस्तों रोहित शर्मा ने छक्का जड़कर 5 ओवर में हमारे स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 200 से पार था, 3 छक्के 4 चौके जड़कर वो 20 गेंदों में लगभग 40 से ज्यादा रन बना चुके थे, और उन्हीं के दम पर भारत के 5 ओवर में 50 से ज्यादा थे। गिल भी एक वक्त पर देख रहे थे कि रोहित भाई कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और दोस्तों विराट कोहली, केन विलियमसन सब अपना माथा पकड़कर देख रहे थे रोहित को। जहां विराट खुश थे तो वहीं केन विलियमसन की चिंताएं पसीना बनकर उनके माथे से टपक रही थी। और इसी तेज तर्रार पारी से दोस्तों रोहित ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो शायद ही पूरे आगे चलकर भी भविष्य में कोई तोड़ पाएगा। वर्ल्ड कप के इतिहास में इन छक्कों के साथ 1500 रन पूरे करने वाले रोहित शर्मा सबसे तेज तर्रार फास्टेस्ट खिलाड़ी बन चुके हैं। इनफैक्ट दोस्तों रोहित ने तो आज जो दूसरा रिकॉर्ड बनाया वो क्रिस गेल के नाम था, उन्होंने तो 49 छक्के वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में लगाए, रोहित ने आज 50 जड़ दिए। और दोस्तों फिर रोहित ने इन्हीं चौके छक्कों के साथ कहना पड़ेगा दोस्तों रोहित शर्मा की खतरनाक खौफनाक पारी। उनके रिकॉर्ड्स को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।